गाइस माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। ये जो पिकॉक, जो बड़ा वाला, बड़े पंख वाला, सामने बहुत सारी मादाएं देखकर उधर तेजी से बढ़ने लगा और उनके पास जाके पहले ऐसे स्लो मोशन में हो जाएगा धीरे धीरे, और ऐसा जाहिर करेगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मौका मिलते ही ये अपने पंखों को किस तरीके से चारों तरफ, ओह वाह वाह, ये दूसरा सीन देखो, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंख। अब देखो इसको, देखो नरको अपने पंख कैसे फैलाएगा ये। चलो इसको एक बार स्लो मोशन में देखते हैं, रिवर्स करके इसको एक बार स्लो मोशन में दिखाता हूँ। ये रियली लाजवाब गाइज। इस वीडियो में आपको एक बार ये सारी मादाएं यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन एक मादा इसको देखकर रुक जाती है। एक तो वो सीन आपने देखना है, दूसरा जैसे ही मादा को आकर्षित करने के लिए ये नाचता रहता है, तो बीच में एकदम से, मैंने पहले कभी नहीं दिखा वो शॉट, एकदम जंप लगा के आगे बढ़ेगा। ये देखो यहाँ दिखेगा आपको, ये पता नहीं क्या है, ये कौन सा एक्शन है, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरा एक एक्शन कौन सा होने वाला है इसमें, वो एक्शन है कि पिकॉक जो सारे ये और मादर और बाकी और कई पिकॉक थे वो सारे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो पीछे जिसने पंख ज़्यादा लंबे इधर उधर किए थे वो भी पिकॉक ही था, लेकिन उसके ये कलर्ड फॉर पंख अभी नहीं आए। अब ये मादा को ये अपने पास आकर्षित करने में सफल तो हो गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप देखोगे पिकॉक के हावभाव से लगता है कि पिकॉक बहुत डरा हुआ है, तो मादा यहाँ से चली जाती है। अब ये अपने पंख नीचे करता है। इसके बाद की जो एक्टिविटी है ये वाली, इसको देखो कैसे नाचने के बाद में जब ये अकेला रह जाता है तो अपने पंखों को साफ सफाई करने के लिए फिर पूरी तरह खोलने लग जाता है। गाइज यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और शेयर भी फेसबुक पर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।